पूर्व विधायक रामकिशन जी और वरिष्ठ नेता कैलाश चावला जी, इनका भी ताली बजा के स्वागत करें। आशीष शर्मा जी, अब चूंकि भरा पूरा मंच है, समय ज्यादा लगेगा और मैं जानता हूं 1 बजे से आप इंतजार कर रहे हैं, इसलिए मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ नेता, साथी पदाधिकारीगण, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, नगर पंचायत के सभी अध्यक्षगण और यहाँ उपस्थित मेरे बहनों भाइयों, सबसे पहले पटवाजी के चरणों में प्रणाम करता हूं। भोजपुर उनके नाम से जाना जाता है समय नदी की धार के जिसमें सब बह जाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं इतिहास बनाया करते हैं। प्रगति का, विकास का, जनसेवा का और गुंडों को भी ठिकाने लगाने का नया इतिहास बनाया था तो श्रीमान स्वर्गीय सुंदरलाल पटवाजी ने बनाया था। भारतीय जनसंघ और फिर भारतीय जनता पार्टी के काम को जन जन तक पहुंचाने में, लोगों के दिल और दिमाग तक ले जाने में उनका अतुलनीय योगदान है और भोजपुर तो उनका परिवार। आज यहां तनुश्री भी बैठी है, श्रीमती पटवाजी भी बैठी है, हमारे चिकित्सा शिक्षा मंत्री आज विशेष अतिथि के रूप में यहाँ मौजूद है भाई विश्वास जी। तो सचमुच में ये पूरा का पूरा परिवार, क्योंकि सारंगी और पटवाजी ये जोड़ी भी अद्भुत थी, साथ मिल के उनने बहुत काम किया। तो मैं आज पूरे भोजपुर परिवार की तरफ से, मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की तरफ से पटवाजी के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। वे जहां हैं वहां से उनका आशीर्वाद हमें सदैव मिलता है और आज उनकी बहुत सजीव प्रतिमा का सुल्तानपुर में आज अनावरण हुआ है। पटवाजी हमें सद्बुद्धि दें, सन्मार्ग पर चलाते रहें ताकि मध्य प्रदेश और भोजपुर और रायसेन जिले की जनता की हम सेवा करते रहें। विकास की शुरुआत ही अगर यह हुई थी तो पटवाजी के हाथों हुई थी। कांग्रेस के जमाने में तो अगर कहीं मुरम की रोड मंजूर हो जाती थी तो दाल बाफलों की पार्टी होती थी, मुरम रोड मिल गई, गिट्टी रोड मिल गई। मुझे याद है जब मैं सांसद हुआ करता था तो सांसद निधि के अगर 50,000 रुपया मंजूर कर दिए तो लोग कहते थे सांसद जी का स्वागत करो यार, साल लाओ, श्रीफल लाओ। लेकिन पटवाजी थे जिनने सही अर्थों में विकास की शुरुआत हमारे प्रदेश में की और आज उसी विकास को हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। सुरेंद्र पटवाजी कहते हैं कि कभी कभी तो हाथ में आते हो, अरे हम तो परमानेंटली हाथ लगे हैं सुरेंद्र, कभी कभी नहीं, परमानेंटली हाथ में। और आप जानते हैं इस क्षेत्र में विकास के काम या तो पटवाजी ने किए या भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपके सेवक के नाते, ये जो ऊपर बैठी टीम है, या हमने किए हैं। सुल्तानपुर में भी, बाड़ी हो, सुल्तानपुर हो, मंडीदीप हो, अब्दुल्लागंज हो, आज जो ये स्वरूप दिखाई दे रहा है ये केवल भारतीय जनता पार्टी के कारण दिखाई दे रहा है। और आज सुरेंद्र जी आपने कई ये जागरूक विधायक के लक्षण हैं, जिसके दिल में तड़फ होती है अपने क्षेत्र को बनाने की, आपने अनेकों मांग की लेकिन थोक में कर ली है, तो जरा एक एक करके देख के पूरी करनी पड़ेगी। अभी बजट आने वाला है, कुछ चीजें उसमें स्वीकृत करनी पड़ेगी और इसलिए मैं आपको आश्वस्त करता हूं आपने तो वो तो कान में कह के देख लेंगे कितनी होती है, लेकिन जितनी बड़ी बड़ी कही है उन सबको पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। देखो या तहसील हो या नगर पंचायतें हो, अलग अलग तरह के विकास काम वो सब अपन नहीं दिए और आगे भी कौन देगा आप बताओ, अरे कौन देगा, अपन ही देंगे, उसमें काहे की चिंता की बात है, कोई कमी नहीं रहेगी। राज्यवर्धन जी दत्ती गांव आए, औद्योगिक क्षेत्र भी बनाना है, अभी गोकुल कुंडी कहां बना रहे हो, एक आध जगह यहां भी देखते हैं अपन और यहां भी कोई स्थान उपयुक्त देख के औद्योगिक क्षेत्र की भी शुरुआत करेंगे। और मैं तो चाहता हूं अरे सुल्तानपुर से, रायसेन से, भोजपुर से, मंडीदीप से, सिलवानी से, बरेली से, उदयपुरा से,
अब तो यहां से भी उद्योगपति निकालना है, बड़े नहीं तो छोटे छोटे लगाएंगे, लेकिन हम भी लगाने की शुरुआत करेंगे। एक नहीं, उसके लिए अनेकों योजनाएं हैं, आज उनके बारे में मैं विस्तार से नहीं कर रहा, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं निश्चित तौर पर, जनता की हम बेहतर सेवा कर सके इसमें कोई कसर नहीं छोड़ रहे। अभी हमने अभियान चलाया था सीएम जन सेवा अभियान, हर पंचायत में हमने शिविर लगाए थे, हर पंचायत में शिविर लगाए थे, और हमने तय किया कि गांव की जनता तहसील और जिले में चक्कर नहीं लगाएगी, कार्यालय में नहीं जाएगी, अब हम पंचायत में जाके ही जनता के काम करेंगे। सीएम जन सेवा शिविर और 33 योजनाएं, जिसमें हमने तय किया कि सबको राशन मिलना चाहिए, कोई अगर रह गया हो तो उसका नाम जोड़ो राशन की सूची में। कितने नाम जुड़े भाई बताओ, कलेक्टर बताए, या माइक ऑन करो कलेक्टर साहब, माइक ऑन। रायसेन जिले में सर अभी जनसेवा अभियान में